दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे हम। तो सबसे पहले दोस्तों, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट को ओपन करेंगे, जिसकी वेबसाइट है bhojpur.nic.in। वेबसाइट को ओपन करके सबसे पहले हम जाएंगे नोटिस पर और रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे सारा डिटेल्स आ जाएगा, कौन कौन से रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर हमें देखिए, ये जो है अप्लाई ऑनलाइन फॉर एग्जीक्यूटिव स्टार्ट डेट और लास्ट डेट दे रहा है। आप यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन फॉर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पे क्लिक कीजिए। ये वेबसाइट आपको एक पेज खुल और यहाँ पर क्लिक हियर टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से पोस्ट अप्लाइड फॉर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट करेंगे। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट करेंगे, मैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेम हमको टाइप करना है इंग्लिश में, जैसा मैट्रिकुलेशन में होगा सेम स्पेलिंग मिलनी चाहिए। इसके बाद यहाँ हिंदी में हमको टाइप करना है अपना नाम। हिंदी में टाइप करना बहुत ही आसान है, सेम इंग्लिश में टाइप करके स्पेस बार बटन को दबाइए कीबोर्ड से और वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अपने फादर नेम को डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, ये कैटेगरी इंटर कीजिए, ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर, देन पासवर्ड कोई भी आप क्रिएट कर सकते हैं खुद से, और ये कैप्चा कोड इंटर करना है। बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे मैसेज आ जाता है, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब ये यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे भी चला गया होगा। इसको कॉपी कर लेता हूँ, पासवर्ड तो याद है ही। कंटिन्यू करके यहाँ पे अपने अप्लाई डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करता हूँ, भोजपुर के लिए किया था और यहाँ यूज़र आईडी डाल रहा हूँ। पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर दे रहा हूँ, कैप्चा कोड यहाँ इंटर करना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब हम यहाँ पर्सनल डिटेल्स में जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालिए, बाकी सारी चीजें तो फिल हो चुकी है। यहाँ पर एड्रेस इंटर करेंगे, यहाँ पर पिन कोड, होम डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद होम ब्लॉक एक्सेप्ट कर लेना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। मैसेज आया आपको, पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद आया एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, मैट्रिकुलेशन किस बोर्ड से है यहाँ इंटर कीजिए, स्कूल नेम यहाँ इंटर कीजिए, पासिंग ईयर इंटर कीजिए, फुल मार्क्स डालिए, ऑब्टेन मार्क्स, आपने कितना मार्क्स मिला है आपको वो डालिए, परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इंटरमीडिएट का भी उसी तरह से बोर्ड डालिए, किस बोर्ड से है, किस कॉलेज या स्कूल से है। फिर स्पेशलाइजेशन में आपको इंटर करना है, आर्ट्स है कि साइंस है कि कॉमर्स है, पासिंग ईयर इंटर करना है, देन फुल मार्क्स, देन ऑब्टेन मार्क, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पे क्लिक मारना है कि कंप्यूटर नॉलेज यस या नो, क्लिक कर दीजिए, सेव कीजिए। और यहाँ पे चूज कीजिए अपना फोटोग्राफ,
यहाँ से सिग्नेचर अपलोड कीजिए। नेक्स्ट कीजिए। अब इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए कि कोई त्रुटि तो नहीं है। जब ये सारी चीजें सही है, ऊपर आकर के I-35 पे टिक लगा देंगे और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से चाहे तो हम प्रिंट कर सकते हैं। मैं भी हम कैंसिल करके आते हैं होम पर और यहाँ से आपको दिखाते हैं। ये देखिए सारी चीजें ग्रीन हो चुकी हैं। अब मैं इसे लॉग आउट कर लेता हूँ। दोस्तों, मेरी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।